हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेज माह। हिंदी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीमेल अकाउंट के जो पासवर्ड हैं, अगर आप वो भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड को कैसे रिकवरी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका एक जीमेल अकाउंट है और आप उस जीमेल अकाउंट के मेल आईडी के पासवर्ड भूल गए हो, तो उसी दौरान आप क्या कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में वही आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि आप अपने अकाउंट के पासवर्ड जो है उसका ईमेल एड्रेस आपको पता है, लेकिन आपका पासवर्ड जो है वो आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही उसका जो पासवर्ड है उसको रिकवरी करना पड़ेगा, और ये जो रिकवरी करने का प्रोसेस है बहुत ही इजी होता है दोस्तों। अगर आपने अपने अकाउंट को सही तरीके से बनाया है, सही आपका मोबाइल एड्रेस मोबाइल डाला है, या फिर आप रिकवरी ईमेल एड्रेस दूसरा डाला है वगैरह वगैरह, अगर आपने ठीक तरीके से डाला है, तो आप आसानी से अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, अपने जीमेल अकाउंट पर जाइए, www.gmail.com पर जाइए। उसके बाद आप जस्ट अपने ईमेल एड्रेस को इसी तरह आप ऐड करके आप पासवर्ड ऑप्शन पर आ जाइए इस तरह। ठीक है, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। देखिए, आप इस तरह जीमेल अकाउंट पर आइए, उसके बाद आप इस तरह आप ईमेल एड्रेस को अपना ईमेल एड्रेस को डालिए, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए, तो आपका सामने ये जो पेज है दोस्तों इस तरह आ जाएगा। अभी मान लेते हैं कि आप अपने फेसबुक आप अपने जीमेल के पासवर्ड भूल गए हैं। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको जस्ट करना क्या है, ये है कि आप ये जो फॉरगॉट पासवर्ड है, इस फॉरगॉट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। जस्ट आप क्लिक कर दीजिए फॉरगॉट पासवर्ड पर। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका सामने देखिए इधर एक ऑप्शन आता है कि एंटर द लास्ट पासवर्ड यू रिमेंबर। तो दोस्तों, आपका जो पासवर्ड था आप वो भूल गए हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने कौन सा पासवर्ड डाला था, थोड़ा बहुत भी याद है कि उसका लास्ट क्या था, उस पासवर्ड का लास्ट जो वर्ड था या कोई नंबर था वो क्या है, तो आप उस नंबर को डालकर लास्ट नंबर को डालकर भी अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि आपको पास कुछ भी नहीं है, पासवर्ड आपको याद ही नहीं है, तो आप उसी दौरान क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए थोड़ा नीचे देखिए आपको और भी ऑप्शन मिलता है, ट्राई डिफरेंट क्वेश्चन, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, तो आपका सामने दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों खुल जाएगा। तो अभी देखिए आपका सामने देखिए एक ऑप्शन खुल गया है, वो है सेंड द टेक्स्ट मैसेज या फिर गेट ए कॉल। तो देखिए दोस्तों, इस जगह आपका मोबाइल नंबर शो करेगा जो मोबाइल आपने डाला था। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो मोबाइल नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट इधर शो करेगा। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको जस्ट सेंड टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करना है या फिर गेट ए कॉल पर आपको क्लिक करना है। तो अगर आप सेंड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आप एक OTP चला जाएगा दोस्तों, जिसको आपको इस यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैसेज नहीं जा रहा है, तो आप गेट ए कॉल पर क्लिक कीजिए, आपका मोबाइल नंबर पर एक कॉल आएगा और आपको एक कोड बताएगा दोस्तों। तो हम जस्ट सेंड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने देखिए एंटर एक 6 डिजिट कोड, तो आपको इस बॉक्स पर 6 डिजिट का जो कोड आपके मोबाइल फ़ोन पर गया है उसको डालना होगा। तो देखिए मैं डाल देता हूँ, मेरा पास वो मैसेज आ गया है। देखिए मैंने दोस्तों डाल दिया है, अभी हम जस्ट इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए इधर आपको एक ऑप्शन दे देता है, क्रिएट ए न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट यू डोंट यूज द यूज फॉर अदर वेबसाइट। तो आपको इधर एक स्ट्रॉन्ग और जो पासवर्ड आप डालना चाहते हैं आप कोई भी पासवर्ड इधर डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इधर एक पासवर्ड डाल देता हूं, देखिए पासवर्ड मैंने इसको डाल दिया। पहले आपको एक पासवर्ड डालना है, उसके बाद सेम पासवर्ड को आपको सेकेंड ऑप्शन पर भी डालना है। अभी आपको जस्ट क्लिक करना है चेंज पासवर्ड, तो चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक कीजिए। अगर ऐसा पॉपअप आता है इसको रिमेंबर मत कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। अभी देखिए आपका सामने इस तरह दोस्तों खुल जाएगा। तो देखिए आपका रिकवरी फ़ोन नंबर इधर शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन नंबर आप एडिट करेंगे, वो भी आप एडिट बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रिकवरी ईमेल एड्रेस डालना है, तो आप ऐड रिकवरी ईमेल पर क्लिक करके कोई भी अपना फ्रेंड फैमिली किसी भी एक ईमेल एड्रेस को आप इधर डाल दीजिए, उसके बाद आप
उसको ऐड कर लीजिए, तो आपको इस ईमेल एड्रेस की मदद से भी अपने अकाउंट को आप रिकवरी कर सकते हैं बाद में। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सब कुछ करने के बाद जस्ट आप डन बटन पर क्लिक कीजिए। डन बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका रिकवरी जो इन्फॉर्मेशन चेक हो चुका है। अभी आपको जस्ट फिर से डन बटन पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों आपका जो सब कुछ नाइसली डन, योर वॉल सेट। अभी आपको जस्ट कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पासवर्ड आपको नए तरीके से आप मिल जाएगा और आप अपने जीमेल एड्रेस को फिर से ओपन कर सकते हैं, फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत मदद जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मदद मिला है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करके थोड़ा बहुत मेरा भी मदद कर दीजिए। और वीडियो को देखने के बाद लाइक प्लीज़ कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।